राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल देर रात राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत सनी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले तो पुलिस प्रशासन ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया था। परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप खड़े कर दिए। रामकृष्ण नगर थाना लगातार विवादों में रहा है, जिसके बाद कुल चार लोगों का नाम सामने आया। कल देर शाम गोली मारी गई थी, जिसमें जमीन का कारोबार और सट्टेबाजी की दुनिया में नाम कमाने वाले प्रिंस राजपूत दूसरा नाम हैप्पी कुमार है, वहीं तीसरा आरोपी अविनाश कुमार के रूप में परिवार वालों ने पहचान की है। लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ इसका उठना बैठना है। रामकृष्ण नगर के कई अधिकारियों के साथ प्रिंस राजपूत का शिरडी यार जांच करवाया जाए तो सब कुछ खुलकर सामने आएगा। प्रिंस के दलाली के काम में रामकृष्ण नगर थाना खुलकर उसका समर्थन करती है और इस हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक नामजद अपराधियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। परिवार वालों ने यह गंभीर आरोप लगाया है। वही न्यूज फॉर इंडिया प्राथमिकता के साथ इस खबर को दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पटना के पुलिस कप्तान मानवजीत सिंह ढिल्लों लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। पटना पुलिस इसका क्रियाकलाप करने में लगी हुई है। पहले तो लव अफेयर का मामला प्रशासन ने बताया, जिसके बाद जब मामला खुलकर सामने आया तो पटना पुलिस की बोलती ही बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया, पटना। एक का नाम लीजिए, किन पे आरोप है आपका? यही प्रिंस पे, प्रिंस पे आरोप है। उस तीन साढ़े तीन लाख का मामला खेले, वो पैसा रख ले है। उसके बाद हैप्पी है, वो भी भाई का मेरा दो तीन दो अढ़ाई लाख रुपया रख ले है। और एक अविनाश है, अविनाश लेकर के उसको याद रखाया। मेन आरोप किन पे है आपका? प्रिंस पे, मेन प्रिंस है, बाकी सहयोगी है उसका सब। हाँ, अभिनव सब सहयोगी है। आपका नाम? रात में 10 बजे से मोबाइल फोन आया, तब हम लोग सुने बोल रहा है कि 9 बजे कल सुबह में, मतलब कि वो कहीं पे जाने का प्लान था, चल जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे वो निकला घर से, घर से निकला तो खाना खाने नहीं आया। तो पापा उसको लगभग 12:30 तक फोन किए उसको, फोन के फुल रिंग हुआ लेकिन रिंग तो नहीं उठाया। वो रिंग नहीं उठाया तो पापा मतलब कम से कम 10-12 बार फोन किए, रिंग नहीं उठाया। तो फिर पापा अपने मसेरा भाई रहता है उसको है, तो उसको बोल बुलाए कि मतलब आप लोग सारा जगह से पता होता करने के बाद क्या मालूम चला आपको? मालूम चला कि सर उसका गोली मार दिया गया उसको। कहाँ पे? इधर कौन सा थी, इधर कोई थी, रूम लिया हुआ था एकांत में। अच्छा, वहीं पे कौन रूम लिया हुआ था? ये लोग अविनाश नाम से रूम बुक था वो। अच्छा, अविनाश नाम से मकान मालिक बनाया, बताया हमको कि अविनाश नाम से रूम बुक था उसी रूम में। अच्छा, जो मृतक है उनका नाम क्या है? सनी कुमार सिंह। आपके कौन लगते हैं? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई है। अच्छा, क्या मामला क्या रहा है, मतलब क्यों मारा गया है गोली, कुछ बता सकते हैं? सट्टा वट्टा के फेरा में सर, पैसा वैसा जीता होगा ये, इसी में इसको फिर मारा गया। कितना का मामला था, कितने पैसा का मामला था? पैसा तो बहुत ज्यादा हुआ था, अनुमान नहीं लग रहा, मतलब हमको तब हमको बताया नहीं था उसने। आरोप आपका किन पे है? आरोप हमको प्रिंस, प्रिंस सिंह है, वो अर्णव है, वो अर्णव अरोसन, और उसका वो साथी था हैप्पी और मयंक। अच्छा, आप लोग FIR किए हैं? FIR किए थे सर। तो फिर क्या, किसका किसका नाम डाले FIR में? FIR सर शुरू में गए तो हम इसकी लोग के नाम थी रख दिया, साथी में नाम रखा सर। अच्छा, और अथी अज्ञात दोस्त का थी, मतलब की देख उसको कहा कि अज्ञात दोस्त वाले से मृत्यु कर दिया गया है। तो फिर आप लोग क्या किए? तो हम लोग आज गए, आज इस पांचों के नाम डाले हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, आप FIR थाना लिया या नहीं लिया? कहें कि FIR एक बार होता है, तो हम बोले सर ये कैसे होगा, इसमें नाम जोड़ना है। तो बोले कि तुम मतलब इसको इसको उसमें जोड़ सकता है सिर्फ, FIR एक बार होता है, तो ये रख लिया वाला। अच्छा, मुखिया आपका, आपको क्या लगता है मुख्य आरोपी इसमें कौन है?